हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर, लीड स्क्रू और बॉल स्क्रू में क्या फ़र्क होता है, उसको आप थोड़ा समझाइए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लेके आया हूँ वीडियो जिसमें कि आज मैं बताऊँगा कि क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं लीड स्क्रू और बॉल स्क्रू के अंदर। तो जैसे कि आप यहाँ पे दोनों ही स्क्रू देख रहे होंगे, तो ये वाला जो स्क्रू है वो है बॉल स्क्रू, और ये जो नीचे वाला येलो कलर का जिसमें नट लगा हुआ है ये है लीड स्क्रू। तो दोस्तों, लीड स्क्रू और अगर मैं बॉल स्क्रू की बात करूँ तो मेजरली यही डिफरेंस है कि बॉल स्क्रू में बॉल रहती हैं स्क्रू के अंदर, मतलब कि ये जो स्क्रू का एरिया है यहाँ पे बॉलें मूव करती हैं जो कि नट के अंदर रहती हैं और रिटेनर से वो बाहर नहीं आती हैं। तो बॉल स्क्रू इसीलिए इसको कहा गया है क्योंकि इसमें बॉल होती हैं और वो स्क्रू में चल के वहाँ पे मोशन प्रोवाइड करती हैं। तो दोनों की सिमिलरिटी की बात करूँ तो दोनों ही लीड स्क्रू और बॉल स्क्रू जो यूज़ होते हैं वो लीनियर मोशन के लिए यूज़ होते हैं। जहाँ पे भी रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना होता है वहाँ पे आप बॉल स्क्रू भी यूज़ कर सकते हैं और लीड स्क्रू भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कहीं इन स्क्रू को देखा होगा तो सीएनसी मशीन्स में देखा होगा या फिर कहीं प्रिंटिंग मशीन में देखा होगा, जहाँ पे भी आपका जो मोटर लगी हुई है जो कि रोटरी मोशन कर रही है और वहाँ पे आपको आगे जो ड्राइव है आपको लीनियर मोशन करवाना है, तो वहाँ पे नॉर्मली आप इन्हीं स्क्रू को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं लीड स्क्रू की बात करूँ तो लीड स्क्रू आपको दिखाई दे रहा होगा। लीड स्क्रू में जो स्क्रू का जो नट है और स्क्रू है उसमें जो होता है वो सरफेस कांटेक्ट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं ये सपोज ये नट है, देखिए नट है और ये स्क्रू है, तो नट और स्क्रू में इस तरीके से देखिए यहाँ पे एक्मे थ्रेड होते हैं या फिर ट्रेपेज़ॉइडल थ्रेड्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कॉन्टेक्ट देख रहे होंगे तो ये कॉन्टेक्ट जो है वो सरफेस कॉन्टेक्ट यहाँ पे हो रहा है। तो सरफेस कांटेक्ट होने की वजह से, लार्जर एरिया यहाँ पे कांटेक्ट आने की वजह से जो लीड स्क्रू होते हैं वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन डेवलप होता है ड्यूरिंग रोटेशन। तो ज़्यादा फ्रिक्शन अगर जहाँ पे भी डेवलप होगा वहाँ पे जाहिर सी बात है फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा और वहाँ पे एक तरीके से रिजिडनेस भी आएगी। तो यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो ये मैंने आपको जो लगाया लीड स्क्रू दिखाया हुआ है, तो लीड स्क्रू में जैसे कि मैंने बताया था कि दो टाइप के थ्रेड्स नॉर्मली यूज होते हैं, एक्मे और ट्रेपेज़ॉइडल, और यहाँ पे कोई बॉल नहीं होती है। नट और जो हमारा ये नट है या स्क्रू है ये आपस में सरफेस कांटेक्ट यहाँ पे होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं बॉल स्क्रू की बात करूँ तो बॉल स्क्रू में यहाँ पे आपको बॉल्स दिखाई देंगी। बॉल्स यहाँ पे कहीं कहीं पे एक्सटर्नल ट्यूब्स रहती हैं, कहीं पे इंटरनल ट्यूब्स रहती हैं जो कि रिटेनर्स होते हैं जहाँ पे भी बॉल को रिटर्न करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो ये बॉलें होती हैं वो इस ग्रूव में चलती हैं। यहाँ पे ये ग्रूव होता है जो जो हमारा स्क्रू होता है, स्क्रू में जो ग्रूव होते हैं या उनको थ्रेड्स जो भी बोल सकते हैं वहाँ पे ये बॉलें चलती हैं। तो जब बॉलें चलती हैं तो बॉलों में अगर आप देखेंगे तो ये अगर हमारा जो रास्ता है और यहाँ पे अगर ये बॉल है तो बॉल नॉर्मली पॉइंट कांटेक्ट में होती है। जैसे कि हमने लीड स्क्रू में देखा था वहाँ पे जो था वो सरफेस कांटेक्ट था, बट यहाँ पे आपको पॉइंट कांटेक्ट दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट है, ये देखिए पॉइंट कांटेक्ट यहाँ पे हो रहा है। तो जो बॉल होती हैं वो स्क्रू के साथ पॉइंट कॉन्टेक्ट में होती हैं। यहाँ पे इंटरनल डिफ्लेक्टर लगे रहते हैं जो कि बॉल को दोबारा से सर्किट में वापस लाने के लिए लगे रहते हैं। आप ये देख रहे होंगे ये डिफ्लेक्टर, यहाँ पे डिफ्लेक्टर है और बॉल सर्किट यहाँ पे होता है। तो लीड स्क्रू और बॉल स्क्रू में आपने देखा कि लीड स्क्रू में हमारा जो सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारा पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है। पॉइंट कांटेक्ट होने की वजह से, क्योंकि कांटेक्ट एरिया यहाँ पे कम होता है, तो कांटेक्ट एरिया जितना कम होगा उतना ही फ्रिक्शन कम जनरेट होगा ड्यूरिंग मूवमेंट। ठीक है, बट यहाँ पे जो है बॉलें पूरे कांटेक्ट में नहीं होने की वजह से साउंड थोड़ी सी बढ़ जाती है जब बॉल स्क्रू मूव करता है, लेकिन लीड स्क्रू में थोड़ा सा स्मूथ यहाँ पे मोशन होता है, साउंड वहाँ पे कम जनरेट होती है लीड स्क्रू के अंदर। अब अगर मैं नॉर्मली अगर आप टेबल फॉर्म में आपको दिखाऊं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं करेक्टरिस्टिक वाइज, तो देखिए करेक्टरिस्टिक मैंने चुनी है पहली एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि आप कितना इनपुट दे रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में
कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है, मतलब कि कितना आपका जो पावर है कम से कम लॉस हो रहा है। तो एफिशिएंसी की बात करें तो जो बॉल स्क्रू होते हैं उनमें लॉसेस कम होते हैं, मतलब कि मोटर जितनी पावर दे रही है सेम टू सेम लगभग 10% लॉसेस के साथ वो बॉल स्क्रू ट्रांसमिट करता है उन पावर को। जैसे कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपने पता ही होगा कि आउटपुट अपॉन इनपुट, तो इनपुट हमारा अगर आउटपुट हमारा बढ़ रहा है सेम इनपुट में तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो बॉल स्क्रू जो होते हैं वो हाई एफिशिएंट होते हैं, जबकि लीड स्क्रू की एफिशिएंसी नॉर्मली 50-60% होती है, क्योंकि वहाँ पे जो लॉसेस होते हैं, जो पावर के इनपुट पावर के लॉसेस होते हैं वो फ्रिक्शन और इन चीज़ों में, क्योंकि वहाँ पे कॉन्टैक्ट ज़्यादा एरिया होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है, हीट जनरेट होती है, तो उसमें वो लॉसेस वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए लीड स्क्रू की जो एफिशिएंसी है वो थोड़ा लो होती है। स्पीड वाइज बात करूँ तो स्पीड, क्योंकि वहाँ पे वही चीज़ है कि फ्रिक्शन कम जनरेट होने की वजह से आप हाई स्पीड में बॉल स्क्रू को मूवमेंट कर सकते हैं। लीड स्क्रू की वही जो स्पीड होती है वो कम होती है, आप कम स्पीड वाली एप्लीकेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रिसीजन की बात करूँ तो प्रिसीजन बॉल स्क्रू में हाई होता है, क्योंकि नॉर्मली जो बॉल स्क्रू होते हैं वो प्री लोडेड होते हैं, बॉल स्क्रू में प्री लोडेड होने की वजह से वहाँ पे जो बैकलेस और इन चीज़ों में जो प्ले जनरेट जो प्ले होता है बॉल नट या फिर स्क्रू के बीच में वो कम होता है, आप उसको प्री लोडेड करके एडजस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे प्रिसीजन आपको हाई मिलता है। इसीलिए जो बॉल स्क्रू का यूज ज़्यादातर CNC मशीन्स में होता है, जहाँ पे आपको प्रिसीजन 1-2 माइक्रोन की ज़रूरत होती है। वहीं लीड स्क्रू में प्रिसीजन लो होता है, इसीलिए इसको नॉर्मली कंपोनेंट लोडिंग अनलोडिंग या जहाँ पे भी आपको प्रिसाइज मूवमेंट नहीं चाहिए वहाँ पे इसका नॉर्मली यूज़ होता है। फिर कॉस्ट की बात करें, क्योंकि ये हाई प्रिसाइज है, बॉल स्क्रू हाई प्रिसाइज होते हैं, स्पीड ज़्यादा होती है, नट की कॉस्ट भी वहाँ पर ज़्यादा होती है, तो इसीलिए वहाँ पर टोटल बॉल स्क्रू की जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है, नट की कॉस्ट लो होती है। इनको जो लीड स्क्रू होते हैं इनको आप नॉर्मली लोकल टूल रूम में भी बना सकते हैं और इनको कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं, तो इनकी कॉस्ट थोड़ा लो होती है, क्योंकि ये प्रिसीजन भी इतना अच्छा नहीं होता है। अगर हाईली प्रिसीजन लीड स्क्रू बनाएंगे तो वहाँ पे भी आपका कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल लीड स्क्रू है जहाँ पे प्रिसीजन उतना ज़्यादा नहीं है तो उसकी कॉस्ट लो होती है। लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल लॉन्ग होती है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन कम जनरेट होता है, तो उसकी वजह से जो भी वियर एंड टीयर होता है बॉल स्क्रू के अंदर वो कम होता है, और यहाँ पे लुब्रिकेशन देके आप उसको भी लाइफ लॉन्ग तक चला सकते हैं। वहीं लीड स्क्रू में, क्योंकि यहाँ पे ना तो सील होती है नट के अंदर और ना ही वहाँ पे फ्रिक्शन भी जनरेट होते हैं, तो उस वजह से वहाँ पे कहीं ना कहीं वियर एंड टीयर ज़्यादा होने की वजह से जो लीड स्क्रू की लाइफ होती है कम होती है। दूसरी बात ये भी होती है, क्योंकि बॉल्स नॉर्मली हार्ड होती हैं, ये मटेरियल जो होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, हार्ड होते हैं और सस्टेनेबल होते हैं, वहीं जो लीड स्क्रू के कई बार मटेरियल पॉलीमर्स के होते हैं, ब्रॉन्ज के होते हैं, तो वहाँ पे वियर एंड टीयर ज़्यादा होता है। नॉइस लेवल की बात करूँ तो बॉल स्क्रू में, क्योंकि वहाँ पे कॉन्टेक्ट एरिया कम होने की वजह से जो बॉल्स की नॉइस होती है वो ज़्यादा होती है, वहीं लीड स्क्रू में जो नॉइस होती है जो भी मूवमेंट के टाइम पे नॉइस जनरेट होती है वो कम होती है। बैकलेस की बात करूँ तो लो बैकलेस होता है, क्योंकि बॉल स्क्रू में प्रीलोडिंग कर सकते हैं हम, प्रीलोडिंग होती है नॉर्मली, तो बैकलेस वहाँ पे कम होता है। वहीं लीड स्क्रू में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप ज़रूर होता है नट और स्क्रू के बीच में, तो इसी वजह से वहाँ पे बैकलेस हाई रहता है। लोड कैरिंग कैपेसिटी बॉल स्क्रू की हाई होती है, क्योंकि वहाँ पे सेम टू सेम वहाँ पे जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं और जो नट डिज़ाइन होता है उस हिसाब से वो वहाँ पे हाईली लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है उनकी, लीड स्क्रू की कैपेसिटी कम होती है। वहीं पे सेल्फ लॉकिंग की बात करूं तो सेल्फ लॉकिंग बॉल स्क्रू में नहीं होती है। सेल्फ लॉकिंग का मतलब ये है दोस्तों, अगर मेरा सपोज बॉल स्क्रू को सपोज वर्टिकली खड़ा कर देता हूं तो नॉर्मली कई कई बार ये होता है कि नट अपने आप मूव करने लगता है, या फिर हमारी मशीन वर्टिकली अगर आप उसमें विदाउट ब्रेक अगर बॉल स्क्रू यूज़ कर रहे हैं तो वर्टिकल लोड के कारण वो नीचे फॉल कर जाएगी ग्रेविटी से, तो बॉल स्क्रू के अंदर सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। वहाँ पे कहीं से भी अगर आपको थोड़ा सा मूवमेंट मिल रहा है तो बॉल स्क्रू कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन में मूव कर जाता है। वहीं लीड स्क्रू क्या होता है, लीड स्क्रू सेल्फ लॉकिंग होता है, जब तक आप रोटरी मोशन इसको नहीं देंगे तब तक ये मूवमेंट नहीं करेगा। जैसे कि वर्टिकल एप्लीकेशन में अगर आप लीड स्क्रू यूज़ कर रहे हैं, सपोज ये आप लीड स्क्रू यूज़ कर रहे हैं,
तो अगर वर्टिकल में भी ये लगा हुआ है किसी एक्सिस के साथ, ये सपोज माउंट है, तो उसको ये डाउन नहीं आने देगा, वहाँ पे आपको ब्रेक मोटर की ज़रूरत नहीं है, आप लीड स्क्रू से ही उस उसको वहाँ पे लॉक कर सकते हैं एक्सिस को। तो यहाँ पे सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी, ये कई एप्लीकेशन में जैसे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में ये कई जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इस तरीके की सेल्फ लॉकिंग, तो ये लीड स्क्रू के अंदर आपको मिल जाएगी। वहीं मैं अगर नॉर्मली इक्विपमेंट और टाइप ऑफ स्क्रू की बात करूँगा, किस इक्विपमेंट में कौन से स्क्रू नॉर्मली लगते हैं, तो सीएनसी मशीन्स के अंदर बॉल स्क्रू ज़्यादातर लगते हैं, वैसे तो दोनों यूज़ होते हैं, बट क्योंकि सीएनसी मशीन जहाँ पे प्रिसीजन का काम होता है वहाँ पे नॉर्मली हम बॉल स्क्रू का यूज़ करते हैं। वहीं ऑटोमोटिव में जहाँ पे भी ऑटोमोटिव हैं, व्हीकल हैं या कहीं पे भी, तो वहाँ पे बॉल स्क्रू नॉर्मली यूज़ होते हैं। एयरोस्पेस इंडस्ट्री में लीड स्क्रू का ज़्यादा यूज़ होता है, मेडिकल इक्विपमेंट में बॉल स्क्रू का, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में लीड स्क्रू का यूज़ होता है ज़्यादातर, पावर जनरेशन में लीड स्क्रू और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में दोनों ही का यूज़ हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने समझा कि दोनों में बॉल स्क्रू और लीड स्क्रू में क्या फ़र्क है। एक तो आपने करेक्टरिस्टिक वाइज डिफरेंस को देखा, एक आपने इक्विपमेंट वाइज डिफरेंस को देखा, और साथ में आपने डिफरेंस ये भी देखा कि किस तरीके की वहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं लीड स्क्रू और बॉल स्क्रू के अंदर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप कहाँ पे समझ सकते हैं कि कहाँ पे आपको लीड स्क्रू का यूज़ करना है, कहाँ पे बॉल स्क्रू का यूज़ करना है, और जहाँ पे किया गया है यूज़ वो क्यों किया गया है, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कोई नए टेक्निकल वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।